नमस्कार साथियों, अभी तक हमने ऑफिस पैकेज अंतर्गत एमएस वर्ड की सीरीज को देखा। एमएस वर्ड के अंतर्गत हमने प्रत्येक ऑप्शंस मेन्यू ऑप्शंस को समझा। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सेल। जिस प्रकार से वर्ड के अंतर्गत हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, उसी प्रकार एक्सेल के अंतर्गत भी हम डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं, लेकिन उस डॉक्यूमेंट को हम डॉक्यूमेंट फाइल ना बोलते हुए वर्कबुक कहते हैं। एक्सेल की डिमांड वर्तमान समय में काफ़ी है और ऐसे बहुत सारे कार्य एक्सेल में किए जा सकते हैं। बहुत सारे कार्य खास तौर पर जो वर्ड में किए जाते हैं, वो भी एक्सेल में किए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार करने हैं, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन है कि आप वर्ड का प्रयोग करें, लेकिन वर्ड में ना करते हुए आप एक्सेल में भी ये कर सकते हैं। तो एक्सेल फॉर्मूले के साथ में फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है और गजब की फॉर्मेटिंग देता है, एक अच्छा बेस हमें देता है। 2007 और उसके बाद के जितने भी वर्जन हैं उनमें तो फॉर्मेटिंग और डिज़ाइनिंग लेवल बहुत शानदार है। तो आइए हम एक के बाद एक सीरीज के अंतर्गत एक्सेल को कंप्लीट सीखते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने वर्ड की सीरीज को नहीं सीखा समझा, तो पहले हमारे वर्ड की सभी वीडियोस को आप देखें। उससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो फॉर्मेटिंग लेआउट्स हम एक्सेल में यूज़ करने वाले हैं, उनके प्रत्येक ऑप्शंस हम वर्ड में देख चुके हैं। तो वर्ड सीख लेने से वहाँ पर हमें वो बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम शुरू करते हैं एक्सेल। एक्सेल की यदि बात करें तो एक्सेल के अंतर्गत आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक बुक मिलती है, जिसे एक्सेल बुक कहते हैं। और इस बुक के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट आपको यहाँ पर मिलेगी, जिसे सीट 1, सीट 2, सीट 3 के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो सीट होती है ये रो और कॉलम में डिवाइड होती है। एक सीट के अंतर्गत कुछ कॉलम हैं और कुछ रो हैं। अब आखिर ये होते कितने हैं? तो पहले तो क्या होते हैं, तो जो खड़े में होते हैं ये सारे हमारे कॉलम हैं। ए बी सी से इनको, सी डी ई एफ से इनको जो है कि डिफाइन किया गया है। और जो आड़े में होते हैं वो रो कहलाते हैं, जिसे 1, 2, 3, 4, 5 से डिफाइन किया गया है। अब यदि इनकी संख्या आपको देखनी है, तो रो ये कॉलम क्षेत्र है और ये रो का एरिया है। तो रो और कॉलम के दोनों के कॉम्बिनेशन का जो क्षेत्र मिडिल आ गया, यहाँ पर आप कर्सर को रखें और क्लिक करके रखें। जब यहाँ आप कर्सर रखते हैं तो ये ऐसे A1 एड्रेस आता है, लेकिन यदि इनकी संख्या देखनी है आपको, तो इसे थोड़ा सा प्रेस करके की क्लिक को प्रेस करके रखें, होल्ड करके रखिए। तो यहाँ पर आपको रो की संख्या बता रहा है 10,48,576, वहीं पर कॉलम की संख्या बता रहा है 1,06,384। यानी यहाँ पर रो और कॉलम का जो कॉम्बिनेशन है वो काफ़ी मात्रा में है। वहीं पर 2003 के अंतर्गत जो कॉलम थे वो थे 256 और रो की संख्या थी 65,536। ये संख्या थी 2003 के अंतर्गत, लेकिन 7 और इसके हर वर्जन्स में जो है और संख्या बढ़ा दी गई, यानी जो 65 था उसको 10 लाख पर ले जाया गया। यानी यहाँ पर जो कार्य का क्षेत्र है वो असीमित है, यानी हम 10 लाख के बाद यहाँ पर काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है फिर हमारे पास सीट यहाँ पर अवेलेबल है। 10 लाख कॉलम के बाद आप जब भी नया कॉलम इंसर्ट करते हैं तो वो रो उसी में मैनेज होता है। ऐसा नहीं कि 10 लाख जो संख्या दे रखी है इससे बढ़ जाएगा, इससे बढ़ करके नहीं आता है। यानी 10,48,576 यहाँ पर नहीं होगा। यानी जब भी आप रो इंसर्ट करते हैं तो वो मूव होती है, हमें ऐसा लगता है कि नया रो इंसर्ट हुआ है, लेकिन न्यू रो इंसर्ट नहीं होता है, वही रो इसमें मूव होता है। चलिए फिर भी हमारे पास यहाँ पे कार्य करने का एक वर्कशीट के अंतर्गत 10 लाख नामों को या 10 लाख रिकॉर्ड को हम मेंशन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन हमारे पास एक्सेल प्रोवाइड करता है। इस प्रकार से ये एक सीट की कैपेबिलिटी है। इस प्रकार से हमें बाय डिफ़ॉल्ट 3 सीट मिलती है
और इसके बावजूद यानी 3 सीट यदि हमारी यहाँ पर फुल हो चुकी है तो हम यहाँ पर अनलिमिटेड सीट इंसर्ट कर सकते हैं, जितना आपको सीट की आवश्यकता है यहाँ पर आप क्लिक करते जाइए और इसे इंसर्ट करते जाइए। तो यहाँ पर कोई कार्य का लिमिटेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, जितना चाहें आप काम कर सकते हैं। बहुत अच्छे फीचर्स के साथ यहाँ पर ये सारे कार्य उपलब्ध हैं। चलिए अब हम एक्सेल के अंतर्गत किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको देखते हैं। आज हम एक बेसिक सा शीट यहाँ पर तैयार करते हैं, जिसके अंतर्गत माना कि हमें जो है एक सैलरी स्टेटमेंट बनाना है। बहुत आसानी से आप यहाँ पर सैलरी स्टेटमेंट बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देते हैं उसमें सीरियल नंबर, तो हम यहाँ पर SN सीरियल दे देते हैं, जिसमें कुछ सीरीज नंबर देते हैं। जैसे हमने दिया सीरियल नंबर में 1, 2, 3 हमें जनरेट करना है। अब देखिए एक्सेल में ये फीचर कि आपको यहाँ पर ये मार्क्स जनरेट आगे का करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्टली इसको सीरीज को निकाल सकते हैं। उस सीरीज को कैसे निकालें, सबसे पहले हम कर्सर की यहाँ पर स्थितियों को समझते हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये जो अभी हमारा माउस पॉइंटर्स हैं ये प्लस के आ रहा है और बॉर्डर वाला प्लस है, तो जब बॉर्डर वाले प्लस की स्थिति रहे तो इसका प्रयोग करते हैं हम डेटा को मूव करने के लिए। तो हम किसी भी डेटा सॉरी पहले हम देख रहे हैं प्लस वाला, तो ये करते हैं सिलेक्ट करने के लिए, ये मैं सिलेक्ट कर पाऊँ। लेकिन जब हम किसी सेल के अंतर्गत किसी ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, एक्टिव सेल जिसे कहते हैं, तो यहाँ पर इसकी बॉर्डर पर जा रहे हैं तो ये कर्सर चेंज हो रहा है। ये देखिए इसमें एरो के चिन्ह आ रहे हैं, तो एरो के चिन्ह जो आ रहे हैं ये स्थिति है मूव। जब भी हम किसी सेल की बॉर्डर पर ले जाते हैं एक्टिव सेल के और कर्सर चेंज हो रहा है तो ये मूव करने की सुविधा हमें प्रोवाइड करवा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो एक्टिव सेल है इसके 3 कोने एक जैसे हैं लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट है, यानी यहाँ से सीरीज जनरेट होगी। तो जैसे हमें 1, 2 के बाद 3, 4, 5 चाहिए, यानी एक का यहाँ पर चेंजेस है, यानी 1 पर 2 आया है, डिफरेंट आया है, तो यही हमें दोनों नंबर दे करके इसको सीरीज को क्लिक करके डाउन में ले जाना है, आगे का जो सीरीज है वो जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार कोई सा भी नंबर हुआ जिसका आपको सीरीज जनरेट करना है, जैसे हमें 2, 4 ये सीरीज जनरेट करना है, तो 2, 4 इसके बाद 2 का डिफरेंट यहाँ पर आया तो अगला होगा 6। हम इसे क्लिक करते हैं और ऐसे नीचे की ओर इसको डाउन में ले जाते हैं। जैसे ही आप इसको आगे लेकर जाएंगे देखिए ये सीरीज हमारी जनरेट हो जाएगी 2, 4, 6। इस प्रकार से कोई सा भी जैसे आपको देना है 5 के बाद 7 का कॉम्बिनेशन रखना है, यहाँ पे 2 नंबरों का डिफरेंट आ रहा है, 2 के बाद 7 आ रहा है, तो अगला जो 7 है 7 के बाद 9, 11 इस प्रकार से नंबर जनरेट होगा। तो कोई भी नंबर आपको जनरेट करना है तो वो आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं, यानी कहने का आशय है कि आपको टाइप करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली सीधे उस नंबर को सीरीज को जनरेट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम अगला फील्ड यहाँ पर रखते हैं नेम का। ये हमने नेम यहाँ पर रखा। नेम के बाद हम सीधे आ जाते हैं सैलरी पर। यहाँ पर हमने फील्ड सैलरी रखा। सैलरी के बाद हम माना कि अपने कर्मचारी को एम्प्लॉइज को जो है कि सैलरी के साथ में उन्हें प्रोवाइड करते हैं TA ट्रैवलिंग अनाउंसमेंट, इसके बाद प्रोवाइड करते हैं DA, इसके बाद प्रोवाइड करते हैं HRA, इसके बाद प्रोवाइड करते हैं PF, ये हम देते हैं। अब इनमें माना कि हम सैलरी देते हैं 5000, ये हो गया हमारा कोई एम्प्लॉई AA है उसको हमने सैलरी दिया 5000, तो 5000 का TA हम देते हैं माना कि 3.5%, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। DA देते हैं 4.5% मेंशन करते हैं। HRA प्रोवाइड करते हैं माना कि 6% हाउस रेंट, सैलरी का बात कर रहे हैं हम, और PF मिलता है, हालांकि ये प्रारंभिक स्टेज में जब सैलरी देंगे तब ये माइनस होगा, तो PF माना कि करता है 7.5%, ये हम बात कर रहे हैं।
तो हम ऑटोमेटिक कैसे निकालें 3.5%? बहुत इजी है, यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल असाइन करना है, इसके बाद उसका सेलर देना है। अब हम इस चीज़ को भी पहले समझ लेते हैं। यदि हम बात करें एक्सेल में, तो यहाँ पर रो कॉलम के कॉम्बिनेशन से एक सेल जनरेट हो रही है। ये हमारा कॉलम है, ये हमारी रो है। तो इस कॉलम का नाम है ए और इस रो का नाम है वन। जब रो कॉलम और रो के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो ये कॉलम हो गया ए और रो हो गया वन, इसलिए सेल का सेल एड्रेस होगा ए वन, जो यहाँ पे दिखा रहा है। इस प्रकार प्रत्येक सेल का सेल एड्रेस होता है और उस सेल एड्रेस के आधार पर हमें कोई भी कैलकुलेशन कंप्लीट करना होता है। तो यहाँ पर हमें यदि इस सेल का हम रेंज देते हैं या एड्रेस देते हैं, तो उसके आधार पर उसका परसेंटेज निकल जाएगा। तो हम सेल के ऊपर कैलकुलेशन करने के लिए इक्वल सिंबल का प्रयोग करते हैं, उसका सेल एड्रेस देते हैं। जैसे हमने दिया C5 इंटू, हमें निकालना है 3.5, डिवाइड करते हैं 100, तो 175, ये हमारा 3.5 निकल गया है। जो सैलरी हमने दी है 5000, 5000 उसका। अब हमें निकालना है 4.5, तो या तो हम इस फंक्शन को ऐसे आगे जनरेट करते हैं, खींच देते हैं इसको, या फिर हम जो है कि टाइप कर दें। अब जनरेट किया तो ये आगे का डिफरेंट निकाल रहा है, अब देखेंगे 3.5 भी नहीं निकाल रहा है। तो आपको थोड़ा संशोधन करना होगा। संशोधन में इसने आगे का सेल एड्रेस ले लिया है, यानी इसके बाद ये आ रहा था तो इसने इसका ले लिया, इस प्रकार से निकाल दिया है। ज़्यादा अच्छा है कि हम नया ही असाइन कर देते हैं, इक्वल हम एड्रेस देते हैं C5, क्योंकि हमें सैलरी का ही निकालना है यहाँ पर, इनटू 4.5 अपॉन 100। इसके बाद हम यहाँ पर भी निकाल लेते हैं इक्वल C5 इनटू 6 अपॉन 100 इक्वल C5 इनटू 7.5 अपॉन 100 ये निकल। तो हमने एक एम्प्लॉय का जो सैलरी है उसका TA, DA, HRA, PF यहाँ पर जनरेट कर दिया। अब हमें बाकी का निकालना है, बहुत आसान है। ये जो फॉर्मूला हमें अन्य पर लागू करना है, तो इसकी सीरीज को हम यहाँ पर जनरेट कर देते हैं, ये अप्लाई हो जाएगा, सभी का निकल जाएगा TA, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं सभी का DA, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं सभी का HRA, इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं सभी का PF। अब हमें यहाँ पर मेंशन करनी है ओनली सैलरी। जैसे हम सैलरी इनपुट करते हैं, आप देखेंगे TA, DA, HRA सब निकल चुका है। यदि हम सैलरी किसी को देते हैं 5.5, देखेंगे आप उसका TA, DA, HRA सब निकल चुका है। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल। टोटल कैसे निकाल, तो टोटल निकालने के लिए आपको यहाँ पर देना होगा एक फॉर्मूला, और वो है इक्वल सम। सम यहाँ पे करेंगे तो सम के जितने फार्मूले 2007 के अंतर्गत यूज़ किए जाते हैं सम, इफ, आगे हम इन सभी को देखेंगे। तो अभी हम सम यूज़ कर रहे हैं, तो सम हमने दिया, फिर आपको शिफ्ट के साथ में कोष्टक लगाना है, कोष्टक लगेगा शिफ्ट के साथ 9 से। कोष्टक लगाने के बाद आपको सीरीज को जनरेट करना है कि टोटल किन का करना है। तो हमें टोटल करना है C5, D5, E5, A5। अब यहाँ पर जो PF है वो माइनस होगा, तो यहाँ पर शिफ्ट के साथ 0 से कोष्टक को बंद कर दीजिए। फिर हम करते हैं माइनस, किसे माइनस करना है हमें, इन सभी का टोटल कर दें और उसमें से माइनस कर दें 375 को, बस एंटर कर दीजिए। ये आपका टोटल आ चुका है। अब यही आपको बाकी सब पे जनरेट करना है, तो इसे आप सीरीज को जनरेट कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक निकल चुका है। यदि किसी की सैलरी आप 10 रुपये भी देते हैं यहाँ पर, तो 10 रुपये का 3.5 के हिसाब से TA, DA, HRA, PF टोटल निकल जाएगा। अब हमें निकालना ग्रांड टोटल।
तो ग्रैंड टोटल निकालने के लिए हम सैलरी कितनी देते हैं, तो इसके लिए हम वही यूज़ कर सकते हैं इक्वल सम कोष्टक। अब एक और चीज़, यहाँ पर आप शॉर्टकट यूज़ करें, जितना शॉर्टकट आप यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड आपकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या करें, आप अल्टर के साथ में इक्वल प्रेस कर दीजिए। अल्टर प्लस इक्वल प्रेस करने पर ये सम डायरेक्टली हो जाएगा, एंटर कर दीजिए। इस प्रकार से आप टोटल सैलरी कितना पे करते हैं वो निकल जाएगा। यदि यहाँ पर आपने किसी का सैलरी 1000 दिया है तो उसके हिसाब से आपका टोटल हो जाएगा। साथियों ये बेसिक है, हम धीरे धीरे एक्सेल के एडवांस लेवल तक जाएंगे और सीखेंगे किस प्रकार से एक्सेल में कार्य किया जाए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।